बहुत बड़े एक्टर फ़ेरोज़ ख़ान और उनकी बीवी की डाइवोर्स तलाक का मामला, उनकी अलहदगी का मामला, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब उनकी सबका वाइफ ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया और वो एलिगेशन बड़ा ही संगीन एलिगेशन, ये एलिगेशन कि फ़ेरोज़ ख़ान ना ही एक बुरे आदमी हैं बल्कि वो उन पर तशद्दुद भी करते हैं, ही वॉज एब्यूसिव एंड वो वायलेंस पे भी उतर आया करते थे। उसके बाद फ़ेरोज़ ख़ान पे तनकीद होना शुरू हो गई क्योंकि उनका जो रवैया था वो इसी तरह का था कि थोड़े अकड़ू थे वो, जैसा रोल उनका ड्रामों में नज़र आता है वो असल लाइफ में भी ऐसे ही थे। एक ऐसा शख्स जो सख्त मिजाज है, जो पुली करता है लोगों को, और फिर कुछ जो स्टेटमेंट है वो उनके फॉलोवर्स की तरफ से आने लग गई जो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, जो कि फ़ेरोज़ ख़ान के ओवरऑल तबीयत के बारे में बताती हैं कि वो जो रोल टीवी पे करते हैं वो रोल नहीं है, वो असल में ही ऐसे हैं। फ़ेरोज़ ख़ान ने बच्चों की कस्टडी के लिए केस दायर कर दिया है और हुआ ये है कि जितने भी एक्ट्रेस हैं उन्होंने, जिन्होंने फ़ेरोज़ ख़ान के साथ काम किया है, उन्होंने इनके किरदार पर सवाल उठा दिए हैं। मेहर बानो, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, उन्होंने फ़ेरोज़ ख़ान के साथ एज अ को स्टार खुदा और मोहब्बत में काम किया है। वो कहती हैं, द करेक्टर्स यू डू इट्स ऑथेंटिक, यू आर द सेम इन योर रियल लाइफ। इट्स मीन इफ़त हुसैन, जो बहुत सीनियर एक्टर्स हैं, उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पे यही लगाया है कि फ़ेरोज़ ख़ान अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही हैं, हकीकी ज़िंदगी में भी इंसान लोगों के साथ गलत सलूक करता है। ये सारे एलिगेशंस हैं इनके ऊपर। अलीज़े सैयद को ये प्रूफ करना होगा खास तौर पर अदालत में, फ़ेरोज़ ख़ान को नहीं दें क्योंकि वो तशद्दुद करते हैं, वायलेंस करते हैं, तो इसके लिए उन्हें प्रूफ भी लाने पड़ेंगे। फ़ेरोज़ ख़ान इस बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं।